पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये तुम्हारे लिए जाओ जाओ पढ़ाई करो चलो। गुड्डी, तुम्हारे लाने इतनी प्यारी गुड़िया लाए भैया, वो काय उतरा हुआ है तुम्हारा? हमें डॉल नहीं चाहिए पापा, हमें भी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, पढ़ते तो हम भी है ना। लो, इतनी सी बात पे उदास हो रही हो? तुम्हारे लाने ज्योमेट्री बॉक्स हम लाके देंगे। हमारा दोस्त आ रहा है दिल्ली से, वो ला देगा। अब खुश। हमें पता है पढ़ाई लिखाई में झंडे हमारी गुड़िया ही गाड़ेगी। दी, क्या हुआ, तू सैड क्यों है? ओ भाई साहब, तू रो रही है? नहीं, रोए हमारे दुश्मन। तू मुझसे ट्यूशन ले ले, मैं तुझे तगड़े से झूठ बोलना सिखा दूंगा। बताना ही था कि क्यों रो रही है, तो बोलना चाहिए था, आँख में धूल मिट्टी घुस गई। ज्ञान के मोती बरसाने आए? फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये बोलने आया था तो फिक्र नोट हो जा, मैं पापा से बात करूंगा कल। मैं अपना क्यूट सा पप्पी वाला फेस बना के उन्हें पटा लूंगा तुझे मुंबई जाने देने के लिए। तुझे अगर हमारी हेल्प करनी है ना तो एक काम कर, सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जा, तुझे मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? सहाय ट्यूटोरियल्स। हम सर को बता रहे हैं कि हम उनका जॉब ऑफर ले दें। दी, तू पर नहीं दी यार, प्लीज, तू तो कभी हार नहीं मानती, मुझसे लड़ती है तो भी हार नहीं मानती, तू अब क्यों मान रही है? ऐसा मत कर दी, फाइट मारना यार दी। पिंटो, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं पर अपने फैमिली से नहीं लड़ सकते ना, प्यार करते उनसे। पापा ने जो कहा जैसे कहा, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जेका है? एसीएस वालों को मना कर रही हो? ईमेल तो कब से लिख लिया मम्मी, पर सेंड बटन नहीं दबा पा रहे। क्या करें यार मम्मी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि काश हम ये टॉप वॉप करते ही नहीं, ना इंटरव्यू देने जाते, ना ये जॉब मिलती, नहीं सारा ड्रामा होता। पहली बार अपने एम्बिशंस पर इतना गुस्सा आ रहा है हमें, ये करना है वो करना है, सर भूसा नहीं भरा होता ना हमने। तो है गुड्डी, शादी हुई थी जब हमारी इच्छाएं हमारी भी थी, पर फिर धीरे धीरे समझ आ गई, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का पलड़ा सबको हमारी इच्छाओं से कई ज्यादा भारी जान पड़ रहा है। एक तो बार हमने कही भी थी कि हम टीचर बनना चाहते हैं, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी दादी ने कभी मना नहीं किया, पर हमारी बातों को तूल भी नहीं दी,
पहले पहले बहुत बुरा लगा, पर फिर समझ आ गई कि कोई गलत ना है, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है, ये तो बस कायदा है कि औरतें घर और बच्चे संभालेंगी और आदमी काम। समय के साथ सोच बदलती है, इसलिए तुम्हारे पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी तुम्हारी झांसी वाली नौकरी के लिए राजी हो गए। पर गुड्डी, इससे ज्यादा ना समय बदला है और ना सोच। पर हमारी एम्बिशन सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं थी ना मम्मी, पूरी फैमिली के लिए थी। घर का हुलिया बदलना था हमें, जो लोन फैमिली ने लिया है वो पूरा चुकता करना था हमें। गुड्डी, परिवार के लाने सोचना पुण्य है, पर अगर तुम खुद के लिए भी अपनी जिंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहती हो तो वो पाप ना है। समझा पाए पापा को अपनी बात, दर्द हो रहा है पर सह जाएंगे, जैसे आप सह गई थी। आपको भी तो टीचर बनना था ना मम्मी, आपको भी तो बहुत दर्द हुआ होगा है ना। कुछ टाइम बाद दर्द कम हो जाता है ना मम्मी, ये ना मम्मी कम हो जाता है ना दर्द। सुमन, तुम भी अपनी थाली लगा लो, बैठ जाओ, बाकी पूड़ी हम निकाल लेंगे हम दोनों खिलाने। का हुआ सुमन, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? जी मचला रहा है तो नींबू पानी बना दे। चाची, सब ले आए हम जो कुछ लिस्ट में था। कहा है जी? बेसन, घी, चीनी, मेवा, काय की तैयारी चल रही सुमन? दीदी, आप गुड्डी के लाने गाजर का हलवा बनाने को कह रही थी ना, तो मुंबई जाते जाते हलवा खराब ना हो जाए तो आप उसके लिए बेसन के लड्डू बना दीजिएगा। अगर आप सबका साथ रहेगा, सहारा रहेगा तो घर जाएगी हमारी गुड्डी। अगर आप सबकी हाँ मिल गई तो गुड्डी समझेगी उसे आप सबका आशीर्वाद मिल गया। सुमन, गुड्डी का तो हम समझ सकते हैं, पर तुम्हारी अकल को कौन सी दिमाग लग गई है? काहे नरक मचा रही हो? हम काहे अपनी बेटी का बुरा करेंगे? अगर थोड़ा सा नजरिया बदल के देखेंगे तो आपको भी ग्लास आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ ही दिखाई देने लगेगा। सुमन, सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात को हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी बिटिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसकी हंसी, उसकी खुशी हमें हजम नहीं हो रही है। उसके मन की ना इतनी सी भी परवाह नहीं है हमें। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, ये वहम आप अपने मन में मत रखिए। काय गुड़िया, बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हें प्यार नहीं करते? नहीं दीदी, ये ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है तो इसमें गलती हमारी है। काहे कि हम हमेशा से ही जानते थे कि गुड्डी बड़े शहर जाकर नौकरी करना चाहती है। हमें आपसे ये बात छिपानी नहीं चाहिए थी। गुड्डी ने तो कही भी थी कि हम आप सबको बता दें, पर हम ही कहते रहे कि जब मरेगी सासू तब बहाएंगे आंसू। हम तो पहले से ही कह रहे थे ये दोनों बहुएं नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें। अम्मा, तुम्हारी बात नहीं चल रही है, तुम जरा शांत रहो। हम माफी मांग रहे हैं सबसे, पर अब जो हो गया सो हो गया, आगे की बात करते हैं।
आगे गुड्डी का भविष्य है, उसकी पूरी जिंदगी है। अरे तो गुड्डी की जिंदगी का अच्छा सोचकर उसी के लाने ये फैसला लिया है ना सुमन, अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दे? आप और भैया की तो मुंह जबानी, हर बात को हमेशा पत्थर की लकीर माना है हमने। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।